दोस्तों नमस्कार। रात को 8 बजे का समय है, एक झोपड़ी में सांप की सूचना मिली है। मौके पर देखते हैं कैसा है, कोशिश करेंगे पकड़ने की। घुस गया, मैं उधर से घेर के इसी में है। ये लो साथियों, वीडियो बना। ये सब लेबर क्लास के लोग हैं। रात को खाना और सोने का समय हुआ और सांप दिख गया तो डर तो होता ही है। जरा जरा वो खींच रहा था उधर उधर उधर। अरे भैया कहा डरा रही, तो मुझे भी डरा देते नहीं भैया। वही लहरी में कौन अभी इतने दूर है। हाँ। अभी तो मैं देखे तो है। छेड़ो मत, ये इधर आ गया। वो तो है, ये टीन में है, टीन में टीन में टीन में। हटो हटो हटो, काले वाला है। उसको पकड़ के फोन फोन पकड़ना। करे सांप है। हाँ हाँ वही, इसके काटने का बिल्कुल पता नहीं चलता। हम चीना, ये पूरब साइड का सांप है। ये मक्खी मच्छर चींटी की तरह काटता है। हाँ, हम चीना। और हम बोला आज वही है, ये यदि काट ले तो कोबर से इसके अंदर 7 गुना ज्यादा जहर होता है और आदमी की मौत निश्चित होती है, क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिलता और इसका कोई निशान नहीं होता। बहुत खतरनाक है ये कैसा सांप है। और मौत का इसको आप कह सकते हैं दूसरा रूप। ये रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सक्रिय रहता है और आदमी को काट ले तो आदमी सोते सोते मर जाएगा, क्योंकि ये हमारी वॉशिंग मशीन, कूलर, रजाई में, अलमारी में, सभी जगह ये बैठ जाता है। कलाकारी नहीं, इसको पकड़ लिया गया और ये बहुत सारे लोग हैं, अगर ये चाहते तो इसको निमटा भी सकते थे, परंतु एक प्यार इनका सांपों के प्रति, इन्होंने इसको बचा लिया। मुझे सूचना थी, मैं कहीं और सांप पकड़ने जा रहा था और सांप पकड़ लेगा। अभी इसको इसके प्रगति में छोड़ा जाएगा। सांप को जब बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करे। सांप की सूचना आप 108 को दे, वन विभाग को दे, हमें दे। दोस्तों ये करे सांप है, कोबरे से भी 7 गुना ज्यादा इसके अंदर जहर होता है। काट ले पता नहीं चलता, चींटी मक्खी मच्छर की तरह काटता है और अधिकतर ये सिलेंडर में, वाश बेसिन में, कूलर में और अलमारी में, बिस्तरों के आसपास ये रहना पसंद करता है और वहीं पर इसको आसान शिकार घरों में ही कॉकरोच, मेंढक इसको मिल जाते हैं। चूहों का भी ये भक्षण करता है। अब एक बहुत गरीब लोगों के बीच में से मैंने इसको पकड़ा, उनके घर में घुस गया था, अगर काट लेता तो मौत उनकी निश्चित थी। सूचना मिली और मेरे द्वारा इसको पकड़ लिया गया। अब इसको इसके मैं प्राकृतिक छोड़ रहा हूँ, काफ़ी उम्र का किराया था ये।
सांप के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना आप एक्सपर्ट को दें, विभाग को दें, हमें दें। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको और आपके परिवार को खतरा।